जराम तेरी आरती उतारूं। नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं साथियों। तो साथियों, बहुत सारे कमेंट मेरे पास इस आरती के आए थे कि हे राम तेरी आरती उतारूं, इसका ट्यूटोरियल बनाइए। तो चलिए साथियों, मैं आपका ट्यूटोरियल लेकर के आ गया हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और जो साथी हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी प्लीज़ हमारे वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, अगर मैं इसको पहली काली से बताता हूं तो थोड़ा ये नीचे जाएगा, इसकी अगर मैं बात करूं यहां तक जाएगा ये, लेकिन हम इसको तीसरी काली से सीखते हैं जो इसका ओरिजिनल स्केल है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा सा होगा। सुर बता देता हूँ फटाफट, सा रे गा कोमल मा पा धा कोमल और नी कोमल, ये नी तक जाएगा, नी धा पा मा गा रे सा। मंत्र सप्तक में मैं आपको बता देता हूँ, तीन सुर हैं, नी कोमल है, धा कोमल है और पा, पा धा नी सा। और साथियों, इसके अलावा भी एक सुर हमारा लगेगा, वो लगेगा शुद्ध धा, धा कोमल भी लगेगा और शुद्ध धा भी लगेगा, इसमें वो अंतरे में लगेगा। तो इसकी जो पहली लाइन शुरू होती है वो क्या है, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं या आरती गाऊं बिल्कुल सेम सुर है। तो इसको अब मैं एक एक फिंगर से आपको बताता हूं, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। देखिए तो हे हे, तो या तो हे करोगे तो तीन बार में लेना पड़ेगा, और खाली हे करोगे हे हे, ठीक है, या फिर हे, तो इसमें जरा मुड़की आ रही है, तो मुड़की में जो है गाने का जो लग रहा है, देखिए हे राजा। तो हम मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, बाद में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगी। देखिए हे राजा, ठीक है, हे राजा राम राम तेरी, देखी राम तेरी राम तेरी, नी धा नी धापा तेरी, ठीक है। तो मिला के हो जाएगा, मिला के इसका क्या होगा, यानी सा गा रे सा, ठीक है, हे राजा राम तेरी, निधा निधा पा आरती, ठीक है, आरती आरती, ठीक है, आरती उतारूं। तो ये क्या है, पाधानी निशानी धानी सा आरती उतारूं, ठीक है। तो ये हो गया इसका, अगला क्या है, आरती उतारूं प्यारे, ठीक है, आरती उतारूं प्यारे, आरती गा गा आरती उतारूं प्यारे, गा गा रे सा, ठीक है। अब तुझको रिझाऊं, तुझको रिझाऊं, तुझको, तुझ इस पे आ गया, कोस पे आ गया, तुझको तुझको रिझाऊं रे मा गा रे सा, ठीक है, तुझको रिझाऊं, ठीक है। उसके बाद आबाद बिहारी तेरी आरती गाऊं, तो ये पहली लाइन थी, हे राम तेरी आरती उतारूं, ये वही सुर लग रहे हैं इसमें के, आबाद सारे गा सारे सागर आबाद बिहारी तेरी। तो
ये हमारा इसका स्थाई पाठ हुआ। अब अंतर की बात करते हैं तो देखिए इसका अंतरा जो है वो बहुत, यानी कि यहाँ नीप जाएगा, कोमल नीप जाएगा, ये देखिए यहाँ से सीधा साप है। कनक सिंहासन, कनक सिंहासन, ठीक है। राजति जोड़ी, देखिए शुद्ध धा का यूज यहाँ है और इधर से जब वापस आ रहे हैं तो कोमल धा का यूज यहाँ। देखिए पहली लाइन में क्या है, कनक, कनक तो हमारा इस पे आ गया नीप है, कनक सिंहासन, ठीक है। और राजत जोड़ी, अगली लाइन बिल्कुल सेम है, फिर बताता हूं। दशरथ नंदन, दशरथ नंदन जन जनक किशोरी। अब इसको सीखते नहीं कि कनक तो हमारा इस पे आ गया नीप है, कनक सिंहासन, कनक इस पे आ गया और सिंहासन इस पे आ गया, नी नी धा पा धा, कनक सिंहासन नी नी धा पानी नी नी धा पाधा मारे, ठीक है। अब राजत जोड़ी, राजत 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 जोड़ी, ठीक है। देखिए राजत राजत जोड़ी, तो राजत जोड़ी में क्या लगेगा, रेमा रेमा पा निधा पा। अब अगली लाइन है इसकी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, बिल्कुल सेम बजेगा ये, जन न दशरथ नंदन, इधर में हम ये पा छोड़ देंगे, देखिए नी नी धा पा धा मारे दशरथ नंदन जनक किशोरी, जनक किशोरी रेमा पानी धापा, ठीक है। अब इसकी एक लाइन और बची है, युगल छवि को सदा निहारूं, देखिए अब युगल छवि को पापा मापा मारे सानी सदा निहारू सदा निहारू सदा सदा पे सदा निहारू, ठीक है। अब इसको दोबारा सीखते हैं इस लाइन को, युगल छवि को सदा निहारू पापा मापा मारे सानी, ठीक है। सदा नीरे सदा निहारू, ठीक है। फिर भाई हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, या हे राम तेरी आरती उतारूं, हे सीता राम तेरी आरती उतारूं, बिल्कुल सेम सुर लगेंगे इसमें इसमें पूरे में। तो साथियों यही इस तरीके से इसका जो आगे का स्थाई और अंतरा है वो ऐसी बजेगा, अंतरे जो यहाँ बजेगा ऊपर और स्थाई इसका यहाँ बजेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।